5.11 देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं 5.11। स्टूडेंट फॉरगॉट टू एड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। ओके, अब बात ये हुई कि यहाँ पे एक जो स्टूडेंट था वो क्या हो गया, उससे गलती क्या हो गई, उसने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसा वाला फ्लास्क, और उसने उसको रिएक्शन मिक्सर में रखा तो सही, लेकिन उसे गलती क्या हो गई, अभी टेम्परेचर कितना था, चलो अभी टेम्परेचर कितना था, नॉर्मल टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन रख सकता हूं मैं, और ये V1 था। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया कि ये जो है उसने उसको गैस पे बर्नर पे रखा तो सही, लेकिन उसमें रिएक्शन मिक्सर डालना भूल गया, क्या डालना भूल गया वो अंदर, रिएक्शन मिक्सचर। तो अब गैस क्या होती होगी, उड़ के बताओ गैस का क्या हुआ होता, रिएक्शन मिक्सर डालना भूल गया है, उसको बहुत हीट किया, आपको पता है कितना हीट किया उन्होंने, कितना हीट कर दिया गलती से उसने उसको, 477 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो 477 मतलब कितना केल्विन होता है, 477 मतलब 273 0 750 केल्विन, और ये होता है 7। हाँ, तो इतना ज्यादा कर दिया। अब क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, जो गैस थी वो सभी तो बाहर आने लगी, गैस थी वो क्या होने लगा बच्चों, यहाँ से गैस बाहर आने लगी, तो यहाँ पे गैस ने इतना एक्सपांड कर दिया, आप समझे बात। तो ये बोलना चाहते हैं कि कितना फ्रैक्शन जो है वो गैस बाहर निकली, तो मैं ये जानता हूँ कि ये V1 था, सपोज ये V1 के एक्स फ्रैक्शन बाहर निकली है, समझे आप बात, एक्स टाइम V1, अदरवाइज ऐसा नहीं करना, तो V1 को 1 कंसिडर कर लो, फ्रैक्शन है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो 1 से कंसिडर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि पहले टोटल कितना वॉल्यूम था, V1 ही था, अब आपने हीट किया तो कितना हो गया, V1 तो था लेकिन उससे x फ्रैक्शन जितना बढ़ गया, मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में मेरे पास 120 आ गए, तो हम ये बोल सकते कि यहाँ पे 20% बढ़े या फिर 0.2 फ्रैक्शन बढ़ा, अब समझे बात, तो कितने बढ़े, तो 0.2 × 100 कितना हुआ, 0.2 × 100 20, आई बात समझ में आपको, तो 20 रुपए मेरे बढ़े, तो ये 0.2 फ्रैक्शन बढ़ा, तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया, x into v1 कर दिया, इतना फ्रैक्शन बढ़ रहा है, समझे बात। फिर से एक बार देखो, पहले क्वेश्चन समझ में आए ना तो आंसर आ जाएगा, कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा पहले क्या था, यहाँ पे एक V1 वाला फ्लास्क था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, अब आप उसने उसको हीट किया, हीट करने से क्या होता है, गैस जो एक्सपेल हो जाती है बाहर निकलती है, तो यहाँ पे गैस बाहर निकली, सपोज एक्स फ्रैक्शन जितनी बाहर निकली, तब आप समझो क्या होता होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे T2 कितना आ गया होगा, 750 केल्विन आ गया, यस और नो, यस सर, और गैस ये V1 है, और ये V1 का एक्स फ्रैक्शन जितनी बाहर निकले तो एक्स V1 है। अब अगर कोई पूछे आपको कि ये एक्स कितना है वो ढूंढ के दीजिए, तो मैं एक्स आपको ढूंढ के देता हूँ, देखना अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, V1/T1 = V2/T2, V2 को आप क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, चलो थोड़ी सी बच्चों थोड़ी सी जल्दी से आंसर देना, अच्छे से राइट आंसर चाहिए, गलत नहीं, तो क्या स्पीड आएगी, अदरवाइज स्पीड नहीं आएगी, चलो ओके okay, हमें ढूंढना क्या है, बाई द वे एक्स ढूंढना है ना, V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं पता आपको, V1 + V1x, चलो यहीं पे हम बात करते हैं, एक काम कर लेता हूँ, सब्जेक्ट बनाने से ज्यादा बेहतर होगा, ये हो गया आपका T2, देखो अब V1/T1 = V2 कितना है वो बताओ, V2 कितना है, V1 + XV1 / T2, हाय ना, यस सर, अब यहाँ से V1 कैंसिल कर दो, V1 = देखो V1 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, चलो स्टेप में गपची नहीं करता, अदरवाइज आप फिर बोलोगे स्टेप गपचा दिया, V1/T1 कितना है भाई, 300 = यहाँ पे V1 को कॉमन निकालो, 1 + X / कितना आएगा, T2 बोलो 750, so 1 + X = 750/300, बताओ कितना आया, 2.5 और X = 1.5, तो यहाँ पे X 1.5, हमें X नहीं ढूंढना है, what amount of fraction बाहर निकल गया है, ये क्या हुआ, अगर ये 100 ml था ना तो ये 150 ml बाहर निकल गया, आप समझ रहे हो मेरी बात,
यस सर। ये कुछ इस तरह से बात हुई। अब आप सोचोगे सर बाहर कैसे निकल सकते हैं, अरे भाई गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो एक्सपांड करने लगता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, नहीं सर। लेकिन हमें तो ये पूछा है फ्रैक्शन कितना है, तब तू ही फ्रैक्शन ढूंढ लेना। सर कैसे ढूंढू मैं, अरे यार आप सोचो कि टोटल कितना है, टोटल ये 1.5 है और ये 1 है, टोटल कितना हुआ 2.5। फ्रैक्शन आएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। बताओ कितना आ रहा है अभी, बताओ कितना आ रहा है? 0.6 3/5, that's your answer. फिर से एक बार राउंड बॉटम फ्लास्क था, ठीक है, आप 1 लेके भी कर सकते हो। सपोज इसका वॉल्यूम 1 है, फ्रैक्शन ढूंढने को बोला है ना, सो इसका वॉल्यूम V1 is equal to 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 तो है ही, ऊपर x जितना बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे T1 कितना था, 300 केल्विन, T2 कितना था बताओ, 750 केल्विन। अब देखो V1 by T1 is equal to क्या लिख सकते हैं, V2 by T2, V1 की जगह 1 लिख दो, 1 by T1 is equal to 1 plus x by T2 लिख जाएंगे, हाँ या ना। सो 1 plus x कितना आ जाएगा बताओ, 1 plus x कितना आ जाएगा, T2 by T1, 750 by 300, 1 plus x कितना आया बताओ, 2.5, x is equal to आ गया 1.5, so the amount of fraction that gas has been evolved, okay, the fraction of air, that has been expelled is equal to क्या आएगा, 1.5 divided by total कितना हो जाएगा, ये 1 plus x हो जाएगा 2.5, so 3/5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, समझे बात, yes sir, so ये 3/5, that's your answer. Now is it clear? कि अभी एक बार और समझाओ सर, clear पक्का ना, yes sir. चलो now next one, 5 point कौन सा है बताओ, 5.1, okay, ready, सभी ready है, yes sir. चलो कौन पढ़ेगा, जानवी पढ़ोगी तुम, yes sir, बोलो पढ़ो, calculate the temperature of 4 mole of gas. ओके, टेम्परेचर ढूंढना है और मोल दिए हुए 4 mole है, ठीक है, फिर 4 mole ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 liter एट 5 liter एट 3.32 bar, और कौन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कौन है, 0.3 bar इनटू लीटर ले लो, ये डेसीमीटर क्यूब या लीटर सेम होता है, यस सर. चलो अब आप मुझे बोल सकते हो मैं क्या करूं, मुझे टेम्परेचर ढूंढना है, बाकी सब आप देखो एक बार, इससे क्या आपको कुछ पता चल रहा है बच्चों, आप थोड़ा सा सोचो, इससे क्या आपको कुछ पता चल रहा है क्या, थोड़ा सा सोच के बताओ, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पूरा सॉल्व हो जाएगा, इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है, कौन ढूंढना है आपको, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, पीवी भाई क्या करोगे एनआर, चलो पी कितना है, 3.32, वॉल्यूम कितना है 5, एन कितना है, मोल्स कितने हैं बताओ 4, आर कितना आएगा 0.3, ओके, व्हाट विल बी द आंसर सर, 50 केल्विन, 15 और 50, 50, सो दैट्स योर आंसर, यस और नो, यस सर, पक्का वाला ना, हां सर, ओके तब ठीक है, तब बढ़िया है, चल हो गया इतना, yes. चलो आप क्या करें बताओ, नेक्स्ट वन, चल हो गया ये,
सिखाओ पी इज इक्वल टू एन आर टी लिखना था और कुछ नहीं है भाई। चलो 5.13 चलो ये है ना चैप्टर नंबर वन जैसा है पढ़ो जानवी। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन गैस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने आप आपको ये कैसे ढूंढेंगे बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन होते कहां पे है, इलेक्ट्रॉन होते कहां पे N2 में ना। अगर वन मोलिक्यूल है N2 का, अगर वन मोलिक्यूल है N2 का तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10^-19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 1.6 × 10^-19। कि मैंने चार्ज थोड़ी पूछा है तुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे है। अगर एक N2 का मॉलिक्यूल है सर, N2 में 14 हो गए ना, 14 होंगे, एक N है तो 7 होंगे, N2 है तो 14 होंगे, समझे बात? यस सर। अब देखो, अब नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं। मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 क्या होता है बताओ? वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। चलो वेट कितना है, 1.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका बताओ? 28। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मोल, समझ रहे हो बात? यस सर। वन मोल N2 होंगे, वन मोल N2 कंटेन्स कितने, 14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या 6 मतलब, वन मोल ऑफ N2 कंटेन्स 14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार देखो ना तुम लोग। यस सर। तो अब हम कितने करने वाले यहाँ पे, 0.5 मोल N2 कंटेन 14 × 0.5 मोल, 14 × 7.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7 मोल ऑफ, 7 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल इनटू ये मोल इनटू 6.022 × 10^23। व्हाट विल बी द आंसर? 42.154 × 10^23. Yes. × 10^23, right? 23. So did I get answer? Electrons. ये number of electrons आ गए. आ गया ये? Yes, sir. करना क्या था, इलेक्ट्रॉन होते कहां पे, N2 में। अगर एक N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डायरेक्टली भी ऐसे गिन सकते, देखो शॉर्टकट में गिनना है ना तो डायरेक्टली ऐसे गिन लो। अगर मुझे पता है 28 ग्राम होते हैं ना N2, तो वो कितना होता, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ या ना? Yes, तो, yes. तो फिर यहाँ पे कितना है, 1.4 ग्राम है, तब कितने यहाँ पे ना 0.05 आता है, आपने गलती कर दी है। अगर 14/28 होता ना, 14/28 होता ना तो 0.05 आता है बच्चों। यहाँ पे 23 आएगा। हाँ कहाँ पे सर, आंसर लास्ट में। हाँ यस यस यस, मतलब यहाँ पे आपने पॉइंट की गलती कर दी। क्यों सर, 1.54/28.5 नहीं होता है, वो 0.05 होता है, तो वो जरा देख लेना। चलो वापिस करवा देता हूँ, शॉर्टकट में करवा देता हूँ। देखो शॉर्टकट की तो पता चला गलती कर दी है, समझे, समझो कैसे। मुझे पता है कि सपोज 28 ग्राम होता, 28 ग्राम अगर N2 होता तो उसमें 6.022 × 10^23 क्या होते, क्या होते, मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे बात। तो yes, 1.4 ग्राम N2 में कितने होंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.022 × 10^23। मुझे N2 के मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने 14 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, अरे यार 20 इनटू, अभी भी एक काम करना है ना, मल्टीप्लाई 14 करना, मल्टीप्लाई बाय 1.4 और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, 28। चलो देखो तो आंसर कितना आ रहा है, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 1.4 है, आ रहा है। कितना आएगा बताओ, 4.2
2154 into 10^23. तो मतलब तरीका ये है कि आपको अगर पता चलने लगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, समझे बात? अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो, अदरवाइज तो थीम से ही जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट कौन है बताओ, 5.14। चलो अरे भाई म्यूट हो जाना है, कौन है ये? या फिर ऐसी जगह बैठो यश, या फिर ऐसी जगह बैठो जहां कम आवाज हो। 5.14 देखते हैं। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट एवोगैड्रो नंबर ऑफ वेट ग्रेन्स। ओके, यहाँ पे है ना, हमने वेट ग्रेन रखे कितने हैं, कितने गेहूं के दाने हैं बताओ? 6.022 इंटू 10^23 वेट ग्रेन है, समझे बात? अब करना क्या है वो बताओ। अब आप देखो 10 से 10^10 ग्रेन है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेकंड लगता है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगेगा टाइम इज इक्वल टू, बताओ 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 10^10। तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10^10 कितना लिखो? 13। ये क्या है, सेकेंड में आंसर मिला। अब कोई इतना टाइम लगेगा कितने 1 मोल वेट ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, समझ रहे हो? नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, I just want it in a year. तो हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि ईयर में कन्वर्ट करना है ना आप इस टाइम को। एक काम करो, टाइम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^13। यहाँ पे मैं ईयर लिखूंगा, लेकिन नीचे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड है तो सबसे पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो। किससे डिवाइड करूं? 60 से, तो मिनट, मिनट के बाद, चलो ये 16 है, आगे आंसर मिनट में, मिनट के बाद आवर में चाहिए, वापिस 60 आवर में आ गया, फिर 24 एंड फिर 365। आ रही है बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। सेकंड से कहां तक पहुंचाना है मुझे इसको? ईयर तक। अब आप शांति से, ये 13 है ना, अब शांति से मुझे आंसर निकाल के दो, क्या आ रहा है? ओके सर, सेकंड में ही चलेगा आंसर, सेकंड में चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने दिया तो नहीं है कौन से टाइम में चाहिए, सेकंड में भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर हम नजदीक जाने की ट्राई करते हैं आंसर के। सच में तुझे एक बात बताऊ, तू ऐसे कर, 10^13 है ना, उससे है ना, तू एक बार यहाँ पे 5 टाइम्स ऐसे रख दे, ऐसे 6.022 इंटू 10^1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने ऐसे रख दिया, अब तो 10^2 कितना बचेगा अगर यहाँ से 6 गया तो? 7, और बाद में ऐसे कर दे नीचे, इससे क्या होगा, इजीली आंसर आ जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा सर। बता कितना आ रहा है, अब बता। तो इसका मतलब ये हो गया 1.909 into 10^6 year, है ना? कि 8 year. Yeah. 8 आएगा कि 6 आएगा? 6 आएगा, क्या सर? हाँ यार, देखना पड़ता है यार, ज्यादा जल्दी में गलती भी हो सकती है, ऐसे जाते हैं राइट हैंड साइड तो माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस, राइट? राइट। चलो ओके, चलो आंसर आ गया, देखो एक बार ये। यस। देखा आपने पहले आंसर आया कि नहीं? पक्का वाला ना? चलो अब कौन सा करते हैं, 5.15 करते हैं, राइट? यस और नो? यस सर।
चलो 5.15 करते हैं, बताओ क्या है 5.15? दो चीज का मिक्सचर है, कौन कौन है बताओ यहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, और दूसरा कौन है 4 ग्राम ऑफ H2 इन अ वेसल, 1 लीटर है वेसल, है 1 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, एंड आर भी आपको दे दिया। वाह भाई वाह, सब कुछ तो दे दिया है, अब क्या टेंशन है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, मिक्सचर का ढूंढना है, मिक्सचर का। सो पी टोटल इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं एन टोटल आर टी बाई वी, पी इज इक्वल टू एन आर टी, याद करो डाल्टन के लॉ में देखा था एन टी है ये। सो नाउ एन टी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है बताओ, मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2। चलो O2 के मोल कैसे निकलते हैं, O2 के मोल कैसे निकलते हैं बताओ, 8 डिवाइडेड बाय 32, याद रखना 32। हाँ बच्चे 16 करके आते हैं, और बहुत अच्छे से समझाया कि मॉलिक्यूल और एटम में क्या क्या दिक्कत है वो। यस सर। सर 4/2, what will be the answer, tell me. So 0.25, galat mat bolna please, plus 2 pakka, ha yahi hota hai 2 into 2.5। chalo ab aa gaya pt, ab nikal jayega pt ki nahi niklega, usko nikalna hi padega, aaye teri aa gaya tu, chalo आर वी क्या है, वी यहाँ पे वी क्या है, 1 लीटर है ना, ओके। अब मुझे बताओ कि 2.25 इंटू 0.083 इंटू 1 लीटर है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, वी 1। वाह आई गॉट द आंसर, टेल मी व्हाट इज द आंसर, टेल इट टू मी। सर आपने दोनों जगह, हाँ यहाँ पे P is equal to NRT आता है ना। चलो 300 कर दो, अब आंसर दो, चलो घर का बने रुको, 56.025 बार, राइट यस सर, इट्स अ वेरी इजी वन ना, डाल्टन, वी विल यूज डाल्टन लॉ बिकॉज़ हियर दे हैव क्लियरली सेड it's like a mixture and you allow to find out the pressure of gaseous mixture na, samjhe baat ki nahi samjhe batao, yes sir, ye to bahut easy ho gaya aapke liye, yes or no, chalo ha okay next one baat kare aage, yes sir, 5.16 very very important, let's rejoin once, it will take time otherwise kya hoga आप ही रह जाएगा, सो प्लीज रिजॉइन, रुको अटेंडेंस, अटेंडेंस बाकी है।